लो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग के स्कूल में आज पढ़ाया गया है और आज जो पढ़ाया गया उसका मैं आज रिवीजन कर रहा हूँ। तो क्यों ना आप लोग को भी मैं थोड़ा सा इसमें बता दूँ कि मैं क्या आज स्कूल में पढ़ा हूँ और क्या आप लोग भी इससे सीख सकते हैं अगर आप लोग को नहीं आता होगा तब। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ा है और आज हम लोग मैथ में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा हूँ और जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आप लोग को लगेगा क्योंकि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा भास्ट है और इस चैप्टर में थोड़ा सा आप लोग को अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ सकती है और साथ ही साथ क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया फोर साइड बाउंडेड, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ। अब मान के चलिए ये चार तरफ से घिरा हुआ है लेकिन अगर क्लोज नहीं होगा तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। अगर ये क्लोज हुआ तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया और अगर क्लोज नहीं हुआ तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं हो पाएगा। और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल होते हैं और एक शायद हमको नहीं पता है, लेकिन एक हमको पता है जो आज पढ़ाया गया है और वो है सिंपल क्वाड्रिलेटरल। तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से आते हैं, पैरेललोग्राम आ गए, उसके बाद क्या कहते हैं रेक्टेंगल आ गया, रोम्बस आ गया, और क्या आ सकता है स्क्वायर आ गया, और क्या आ सकता है ट्रेपीजियम आ सकता है, आइसोसेलेट ट्रेपीजियम भी एक होता है। और फ्रेंड्स, अगर मैंने कुछ और छोड़ा है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग जान गए। अब क्वाड्रिलेटरल में एक और चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर डाटा इनसफिशियंट होगा तो ना ही पैरेललोग्राम होगा और ना ही कोई दूसरा हो सकता है जो क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज के हिसाब से होता है। मान चलिए एक ऐसे करके स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है और एक ही पेयर उसका पैरेलल है और दूसरा पैरेलल नहीं है, तो इस टाइप में आप उसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हैं और ये हो जाएगा ट्रेपीजियम। तो हम थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज भी जान लेते हैं। आज प्रॉपर्टीज भी हमको थोड़ा सा पढ़ाया गया है, जैसे कि मान के चलिए पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हो गया पैरेललोग्राम। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, तो दूसरा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसमें कि अगर आप लोग वन एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिक फोर एंगल इसका हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हम लोग को मैथ में आगे इतना ही पढ़ाया गया है। तो अब मैं बताऊंगा हम लोग को साइंस में क्या पढ़ाया गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग को साइंस में आज बायोलॉजी पढ़ाया गया है और बायोलॉजी में आज हम लोग को मैम बता रही थी कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई डू वी इल। तो चैप्टर 5 है बायोलॉजी का, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे हेल्थ के बारे में, और अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा मदद कर सकता हूँ क्योंकि आज हम लोगों ने थोड़ा सा ही पढ़ा है लेकिन शुरू हो गया है हम लोग का चैप्टर। तो वाई डू वी इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कहानी सा आप लोग को मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। मान के चलिए दो बच्चे हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। वो दोनों बच्चे, एक बच्चा जो है उसमें से डिजीज फ्री है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको जो भी कुछ कहिएगा तो वो बोलेगा मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ। लेकिन उसको एक प्रॉब्लम है, वो बहुत स्ट्रेस लेता है, वो अपने क्लास में होमवर्क के लिए चिंतित रहता है और अपने आप में मन में कुछ ना कुछ करता रहता है। मान चलिए आगे में पढ़ाई चल रहा है तो वो बातचीत कर रहा है अपने दोस्त के साथ, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो बोल रहा है कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अब मैं क्या करूं। तो क्या ये हेल्दी पर्सन हुआ। और चलिए एक और आदमी का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक राम का एक श्याम का उदाहरण लिया था। तो श्याम जो है वो अच्छा है, उसको कोई डिजीज नहीं है, वो सोशली फिट है, मेंटली फिट है और फिजिकली भी फिट है। तो ये हो गया हेल्दी पर्सन का क्या कहते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन का मतलब, अब चलिए मैं आप लोग को हेल्दी पर्सन का डिफिनेशन
बताता हूँ, आ पर्सन विच इज सोशली फिजिकली एंड मेंटली फिट दैट वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्दी पर्सन। मतलब वही फिट हो गया जो मेंटली फिजिकली और साथ साथ सोशली भी फिट रहेगा और इकोनॉमिकली भी, इकोनॉमी का भी प्रभाव पड़ता है। अगर मान के चलिए आपके घर में आपके पापा लोग अगर होंगे मान के चलिए, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अगर नहीं अच्छी होगी तो उसमें भी हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ता है। और सोशली कैसे हो गया, तो मान के चलिए हम लोग यहाँ पे समाज में रह रहे हैं, अब एक आदमी है जो हमारे पास आ रहा है वो फिट नहीं है, वो क्यों नहीं फिट है, तो वहाँ पे उसके घर के चारों तरफ इतने ढेर सारी कचरा है, उसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो खराब हो गई। अब हम लोग फिजिकली जान लिए, मेंटली जान लिए, इकोनॉमिकली जान लिए, अब हम लोग जानते हैं फिजिकली। फिजिकली तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग को कोई सर्दी खांसी जुकाम या फिर कोई ऐसी खतरनाक बीमारी जो धीरे 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 आपके शरीर में प्रवेश करती है और उसके बाद विकराल रूप ले लेती है, तो ये भी एक टाइप का अनहेल्दी पर्सन होंगे। तो चलिए आज हम लोग को इतना ही पढ़ाया गया, तो मैं आगे आप लोग को इतना ही बता रहा हूँ, आगे जब हम लोग को आगे पढ़ाया जाएगा तो मैं आगे भी बताऊँगा आप लोग को।